कैसे हो भाई लोग, अपुन का नाम है जय और आप देख रहे हैं टेक्नोजू। दोस्तों अपन के 800 सब्सक्राइबर खत्म हो गए, मतलब 800 सब्सक्राइबर अपन को मिल गए और अपन ने सोचा कि आज एक अलग स्टाइल में वीडियो बनाए। तो आज एक टपोरी के माफिक अपन बात करेगा और आज के इस वीडियो में अपन करने वाला है अनबॉक्सिंग एसुस के ZenFone Max Pro M2 की। तो कहीं जाइएगा मत और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे अलग अलग स्टाइल में वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि मामू ऐसे अलग अलग वीडियो बना। और अगर आपको चाहिए कि मैं यही स्टाइल में वीडियो बनाऊं तो लिख दो मामू यही स्टाइल में वीडियो बना। और अगर आपको ऐसी स्टाइल पसंद नहीं आ रही है तो नीचे लिख दो मामू पहले बनाते थे वैसे वीडियो बनाओ। तो कहीं जाइएगा मत। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो बिड़ू लोग, ये रहा अपुन का ZenFone Max Pro M2। अपुन के आज 800 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और इसलिए अपुन आज एक अलग स्टाइल में अनबॉक्सिंग कर रहा है। तो अगर आपको ये स्टाइल पसंद आती है तो मामू अपनी चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो और नीचे कमेंट में लिख दो कि मामू ऐसे ही वीडियो बना। तो अपुन इसी स्टाइल में कुछ नए नए वीडियो बनाएगा। तो हम पहले इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। तो ये मुझे पड़ा है 14,999 में, यानी कि 15,000 में पड़ा है मामू। ये फोन की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमको 5000 mAh बैटरी मिल जाती है और मास ड्यूरेबिलिटी यानी कि गोरिल्ला ग्लास 6 का सपोर्ट मिल जाता है। और अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो मामू आप इसमें पबजी फोर्टनाइट आराम से खेल सकते हो, जैसे कि क्योंकि इसमें हमको स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर मिलता है और अपन को वो एकदम लेटेस्ट ट्रेंडिंग वाली आईफोन एक्स जैसी नॉच भी तो मिल जाती है मामू। तो मैं इस रामपुरी से आज इसका अनबॉक्सिंग करेगा। तो देखते हैं इसमें हमको क्या क्या मिलता है। तो ये कुछ इस तरह का इसका बॉक्स है। इसमें लिखा है 4G VoLTE, यानी कि इसमें आपको ड्यूअल VoLTE का सपोर्ट मिलेगा। इससे आपके दोनों ही सिम में जियो डाल सकते हैं आप। अगर मैं अनबॉक्सिंग करता हूं इसकी तो चलो मैं दिखाता हूं इसमें क्या आता है मामूलू। आपको मजा आने वाला है ऐसे इस अनबॉक्सिंग में। देखते हैं ये आसुस वाले आजकल देते हैं या नहीं सब कुछ। तो ये बॉक्स बहुत बढ़िया लगता है। ये जैसे ब्लू का जो कवर है और लिखा है वी लव फोटो। तो इसका इसके अंदर हमको सोनी का कैमरा देखने को मिल जाता है, सोनी का जो सेंसर है वो देखने को मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे अपन देखे तो यहाँ पे कुछ ये केस वेस मिलता है हमको और ये कुछ यूजर मैनुअल और जो अपन कोई पढ़ता नहीं है लेकिन देते हैं ये लोग। उनको क्या मालूम कि किसी को इंटरेस्ट नहीं है इन सब में, बस सबको फोन खोल के चालू हो जाना है। और ये इसमें ये कुछ इस तरह का केस मिलता है, केस बोले तो बहुत अच्छा है, आप लगा के देख सकते हैं। और ये आ गया अपना मेन चीज यानी कि अपना फोन। इसमें देखिए लिखा है मैक्स परफॉर्मेंस यानी कि स्नैपड्रैगन 660। और इसमें बैटरी तो 5000 mAh है ही ना, तो आराम से आप 2 दिन तो चला ही सकते हो इस फोन की बैटरी को। और इसमें मैक्स ड्यूरेबिलिटी बोला है यानी इसमें हमको गोरिल्ला ग्लास 6 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं इस फोन का ओवरव्यू कैसा है। देखिए अपना फोन कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप डाउन बटन मिल जाते हैं और ये एक पावर बटन देखने को मिल जाता है। अगर नीचे की बात करूं तो नीचे ये रहा अपना स्पीकर जहां से अपन गाना सुनेगा, रिंगटोन आएगा, सब कुछ आएगा। ये रहा अपना माइक्रो USB पोर्ट। अभी इसमें टाइप सी नहीं दिया तो ये बहुत बुरी बात है यार, इतना सब देते हो तो टाइप सी क्यों नहीं दे देते, अच्छी बात है टाइप सी देना। ये अपना प्यारा हेडफोन जैक, तो आराम से अपन इधर से गाना सुन सकते हैं। और इसके नीचे हमें मिल जाता है एक माइक जहां से अपन बोलेगा और सामने वाला सुनेगा। और इधर ये रहा अपना सिम का ट्रे, अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा कि सिम ट्रे कैसा आता है। और ये रहा अपना नॉइस कैंसिलेशन माइक, तो ये अच्छी बात है अब सब फोन में नॉइस कैंसिलेशन माइक आता है। और ये डिजाइन की बात करूं तो ये डिजाइन काफी बढ़िया लगता है इस फोन का। और ये देखिए नीचे आसुस का लोगो है और यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट सेंसर और ये ड्यूअल कैमरा है अपने। तो बोले तो इसमें कैमरा में फोटो बहुत अच्छा खींचेगा ऐसा आसुस वाले बोलते हैं,
देखते हैं इस वीडियो में कि भाई कैसा होता है इसका कैमरा। और अगर हम बॉक्स कंटेंट की बात करें तो हमें ये एक केबल मिल जाता है, ये रहा वो यूएसबी टाइप सी केबल तो नहीं है, ये माइक्रो यूएसबी है, तो यही हमको मिलता है। और इसके अंदर बॉक्स में हमको ये चार्जर मिलता है, देखते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन को ताकि पता चले कि फास्ट चार्जर है या नहीं। नहीं भाई ये फास्ट चार्जर नहीं है, मेड इन चाइना चार्जर है। इसमें 5 वोल्ट 2 एम्प का चार्जर मिलता है, यानी एक नॉर्मल चार्जर मिलता है। और इसके अलावा हमको इसके अंदर और कुछ नहीं देखने को मिलता, इसके अंदर हमको मिल जाता है सिम इंजेक्शन पिन। तो ये रहा अपना सिम इंजेक्शन पिन, कुछ इस तरह से दिखता है ये। अपनों को ऐसा लगता है कि ये साला स्माइली है, देखते हैं ये हमारा आसूस हमको कितना स्माइल करवाता है। तो ये रहा अपना फोन, और इधर से अपन करेगा इसकी सिम को बार, सिम ट्रे आई बार। लगता है मुझे कि इसमें ट्रिपल स्लॉट होना चाहिए, क्योंकि आसूस पिछले फोन में भी उसने ट्रिपल स्लॉट दिया था। अब देखते हैं इसमें ट्रिपल है या सिंगल। अरे अच्छी बात है मामू, अपन इधर एक सिम मेमोरी कार्ड भी लगा सकता है और 2 सिम कार्ड भी लगा सकता है। तो मामू ये बहुत अच्छी बात है कि अपन इतने सारे काम कर सकता है, इसमें 2 सिम भी लगा सकता है और 1 मेमोरी कार्ड भी। तो ये है जो मेरे पास जो वेरिएंट है वो 4 GB वाला है वेरिएंट है, इसमें 64 GB इंटरनल हमको मिलती है। तो अभी मैं करता हूँ इस फोन को बूट अप और देखते हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। तो लिखा आ गया पावर्ड बाय एंड्रॉइड आसूस। तो बहुत अच्छा लगता है जब कुछ नया फोन खुलता है अपने हाथ से। ये देख सकते हैं इसमें एक छोटी सी नॉज है, अब देख सकते हैं इसमें एक छोटी सी नॉज है। अभी यार वाटर ड्रॉप नॉज का जमाना है, इतनी बड़ी नॉज क्यों दे दी, छोटी सी नॉज ही दे देते सिर्फ कैमरा रख के। और ये क्या हिंदी में लिखा था, बस एक सेकंड। नहीं भाई हम तो यूज करेंगे अपना इंग्लिश में, क्योंकि हम अंग्रेज लोग है। तो मैं कर देता हूँ इसको सेटअप और फिर दिखाता हूँ इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो कहीं जाइएगा बस दोस्त लोग, बोले तो बीड़ू लोग। ये अपना फोन हो गया है सेटअप, मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको इसकी फिंगरप्रिंट। ये फास्ट तो है लेकिन इतना फास्ट नहीं, लेकिन फिर भी बोले तो कई सारे फोन से बहुत फास्ट है। और अगर मैं इसके फेस अनलॉक की बात करूं तो ये मुझे अच्छा लगा, ये अनलॉक कर देता है, थोड़ा टाइम लेता है लेकिन अनलॉक जरूर कर देता है। लेकिन इसके एक ड्रॉबैक मुझे लगा कि मैं अगर कहीं और देख रहा हूं तो भी ये अनलॉक कर देता है ये फोन को। और इधर कुछ अपडेट्स भी आई थी जो हो चुकी है, तो मेरे को अच्छा लगा कि इसमें अपडेट्स बहुत आएगी। और ये एक स्टॉक एंड्रॉइड बेस्ड है तो इसकी वजह से आपको क्लीन यूआई मिलेगा और कोई लैग्स देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये एक अच्छी बात है। और मैं आपको ब्राइटनेस फुल करके दिखा देता हूं, ये ब्राइटनेस काफी अच्छी देता है तो आपको धूप में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। और अगर मैं इसके कुछ और स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो किधर गया रे सिस्टम, सिस्टम के अंदर आपको एंड्रॉइड वर्जन ओरियो देखने को मिलता है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि एंड्रॉइड वर्जन 8.1, ये 8.1 का मतलब होता है ओरियो, आपको मालूम ही होगा, आप मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो। अब इसमें कुछ गेस्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जेस्टर्स जिसे कहते हैं हम, जेन मोशन, इसमें डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन और डबल टैप टू वेक अप, यानी कि जब आपका फोन कुछ ऐसे है अगर आपने डबल टैप किया तो ये चालू हो जाएगा और फिर मेरा फेस रिकॉग्नाइज करके खुल जाएगा। और डबल टैप टू टर्न ऑफ द स्क्रीन, यानी कि ये बहुत सारे फोन में आता था आसूस के पहले वाले फोन में, जैसे कि जेन फोन में 2 लेजर में भी ये फोन फीचर देखने को मिलता है। अब ये डबल टैप टू टर्न ऑफ द स्क्रीन क्यों नहीं हो रहा वो मालूम नहीं मेरे को, मैं डबल टैप कर रहा हूं लेकिन बंद नहीं हो रहा है, अब मालूम नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। हाँ यानी कि आपको होम स्क्रीन पे होना जरूरी है, अगर आप होम स्क्रीन पे हो और डबल टैप करते हो तो आपका फोन हो जाएगा लॉक और फिर डबल टैप से अनलॉक, और उसके बाद आपको आपका बस सुंदर चेहरा दिखाना है तो चेहरा देखते ही ये हो जाएगा फोन अनलॉक। तो ये फोन की मुझे बहुत अच्छी बात लगी। तो देखते हैं कैमरा सैंपल कैसा है इस फोन का। ये रहे कुछ सैंपल फोटोज जो मैंने खींचे हैं नॉर्मल कंडीशन में, ये मैंने खींचा है रात के टाइम पे जब बहुत अंधेरा था पीछे और ये डॉगी बहुत क्यूट था।
और ये फोटो यार, ये फोटो देख के मुझे बार बार भूख लग जाती है। बहुत अच्छा फोटो खींचा है मैं कैमरा ने। और ये फोकस चेक करते टाइम लिया था ये फोटो, बहुत ही अच्छा फोकस चेक करता है मामू, बहुत मजा आ गया। और ये अपने यार चिड़िया का घोंसला अपने घर पे है तो उसका फोटो खींचा, बोला चलो देखते हैं। और ये फोटो मैंने खींचा कि भाई थोड़ा पीछे का भी रखते हैं तो अच्छे से फोकस कर पाता है कि नहीं ऑब्जेक्ट पर, बहुत अच्छा करता है। लेकिन थोड़े ही टाइम में मैं इसका रिव्यू भी लेके आऊंगा इसी चैनल पे। तो अगर आपने ये वीडियो हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि उन अगर वो फोन लेना चाहते हैं तो उन्हें भी पता चले कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या देते हैं ये आसूस वाले। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये मेरी स्टाइल पसंद आई है तो नीचे कमेंट में लिखना जरूर कि पसंद आई है, और अगर नहीं पसंद आई है तो नीचे बता देना कि मामू ऐसे वीडियो मत बनाओ, सीधे से बनाओ जो पहले बनाते थे वैसे। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, आपका शुक्रिया आभार दिल से।